2014 में देश में आम चुनाव हुए। भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए विपक्ष पर परिवारवाद, अवसरवादी, भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाता रहा। राम मंदिर बनाने, 370 हटाने, काला धन लाने, बेरोजगारी खत्म करने, महंगाई कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे उठाए और देश से जन समर्थन मांगा और जनता ने भारी आशीर्वाद से भाजपा की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वहीं एक दशक से सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 100 से भी कम, 50 से भी कम 44 सीटें मिली। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सरकार बनने के बाद भाजपा ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। अब 2024 आ गया है, देश में फिर से आम चुनाव होने वाले हैं। देश में बहुत कुछ बदला है, सरकार बदली, नेता बदले, नोट बदले, गवर्नर बदले, संसद बदली, लेकिन आम लोगों की समस्याएं जस की तस हैं, जो नहीं बदली। इन सब चीज के बदलने के बीच देश में भाजपा ने राष्ट्र विचारधारा को बढ़ावा दिया। गांधी की जगह गोडसे ने ले ली और सियाराम की जगह श्री राम ने ले ली। लेकिन ये विचारधारा राष्ट्रवाद से हिंदू हितों की बात करते करते हिंदुत्व पर शिफ्ट हो गई, पता ही नहीं चला। हिंदुत्व की विचारधारा की पकड़ जैसे जैसे भारतीय परिवेश में बढ़ी, वैसे वैसे देश की सेकुलर विचारधारा की पकड़ कमजोर हुई है। इस पर कुछ लोगों ने कहा है कि नया भारत है ये देश गांधी का नहीं, गोडसे का है। कुछ लोगों का मानना है कि 2014 के बाद देश में हिंदू भावना उग्र हुई है, अब लोगों के अंदर पहले जैसे किसी दूसरे समुदाय के प्रति सम्मान की भावना नहीं रही। अब लोग ज्यादातर बेरोजगारी, महंगाई की जगह राम मंदिर 370 पर बात करते हैं। हिंदुत्व की विचारधारा का प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि 2014 के बाद क्या बदला, तब कुछ लोगों ने कहा कि पहले हमको लगता था कि जैसे हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले हमारे धर्म को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद कोई हमारे धर्म के बारे में नहीं बोलता, बल्कि सम्मान के नजरिए से देखता है। जब राम मंदिर पर लोगों से बात की गई तो लोगों ने कहा कि मोदी भगवान का रूप है। आइए जानते हैं लोगों की राय। आप कह रहे हैं कि राम की आत्मा आपको लग रही है मोदी जी में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, उनका आशीर्वाद है। वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। इन सब पर जब AIMIM नेता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गांधी और सावरकर की विचारधारा अलग थी। वो गांधी हिंदुज्म को मानते थे और सावरकर हिंदुत्व को मानते थे। वाज गांधी अ फॉलोअर ऑफ हिंदुत्व और हिंदुइज्म? नो, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। Look at all these people who sat and gave us this constitution. Ambedkar was a Buddhist, right? Later You're on, saying the Gandhian model of Hinduism, because Gandhi no, often used... I'm not saying the Gandhian model, I'm saying the Hinduism is completely different okay. from the Hindutva ideology. वहीं कुछ भाजपा के नेता गोडसे की विचारधारा का खुला समर्थन करते हैं। हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। वो तो राष्ट्रवादी है ही। मैं ये मानती हूँ कि कोई व्यक्ति जीवन भर देश की चिंता करता रहे, क्या काल परिस्थिति रही होगी जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ये तो वो ही जान सकते। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा का एक हिंदू धर्म पर उनकी राय भी सामने आई है। हिंदू अस्तित्व की पहचान है कि आप अपनी आस्था से, जन्म से, मन से हिंदू हैं, लेकिन अपनी पहचान के प्रति सजग होना और उसके प्रति चेतना का विकास होना हिंदुत्व है। अर्थात पहचान से हिंदू होने का तात्पर्य है कि क्षमा भाव, प्रेम भाव, आचरण की शुद्धता होना, अहिंसा के रास्ते पर चलना और विविधता को महत्व देना। हिंदू शब्द भाववाचक है, इसे हम संज्ञा नहीं मानते। जब हम कहते हैं हिंदू तो उसका मतलब होता है विविधता को महत्व देना। ये विविधता कृत्रिम नहीं है, ये हिंदू के अंतर्मन में बैठी हुई है। विविधता के बिना हिंदू शब्द की कल्पना करना अर्थहीन होता है। हिंदू होने की इन सभी विशेषताओं के प्रति सजग होना, इनका शरण ना होने देना हिंदुत्व है। भले ही हिंदुत्व शब्द प्रचलित विनायक दामोदर सावरकर जी की पुस्तक से हुआ, लेकिन सावरकर जी हिंदुत्व के पहले या अंतिम विचारक नहीं है। वो विचारकों की श्रृंखला में एक विशिष्ट समय के विचारक हैं।
1992 में हुए चुनाव में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना नेता नारायण राणे ने वोट मांगा और कहा कि अगर शिवसेना सरकार में आई तो महाराष्ट्र देश का पहला हिंदुत्व वाला प्रदेश बनेगा और सरकार बनाई। लेकिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी जीत को खारिज कर दिया था कि चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है हिंदू। वहीं हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद के लिए हमारे समाज में जोड़ा गया है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना है नहीं। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1922 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था जिसकी वजह से वो लोकप्रिय भी हुए थे। अब बात यह आती है कि राम मंदिर बनने का असर लोगों में कितना, तो लोगों का कहना है कि 500 साल बाद राम आए हैं, मोदी किसी भगवान से कम नहीं है। अब देखना यह है कि देश में कितने वक्त तक हिंदुत्व का असर रहेगा, क्या हर विचारधारा की तरह इसका भी पकड़ समाज पर कमजोर हो जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण।